ये वीडियो बहुत खास है, वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्या सिस्टम है, क्या स्कीम है, स्कीम चल रही है या खत्म हो गई वो बताया जाएगा। सारा खेल स्कूटर का है, बजाज स्कूटर का। जी हाँ दोस्तों, बजाज स्कूटर इस जमाने का किसी के भी घर पे होगा वो यहाँ पर आकर अपनी यहाँ पे आके अपनी आरसी दिखाएगा, अपना नाम दिखाएगा कि मेरे नाम पे है और तहलका मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास भी स्कूटर है उसके लिए खाना फ्री है। खाने में सुन लो, एक बर्गर फ्री मिलेगा, अरे एक हुक्का मिलेगा, बस। बहुत बड़ी बात है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। आपका भाई गोवा में है, मौसम बढ़िया हो रहा है, मौसम एक नंबर है, तहलका तगड़ा मचा हुआ है। दोस्तों हम खड़े हैं एक शानदार से प्यारे से कैफे के अंदर जिसका नाम है एरिया 51। ये वीडियो बहुत खास है, वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा पछताओगे, ये वीडियो बहुत खास है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आके तहलका मचा सकते हैं और फ्री फूड का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना फ्री, हुक्का फ्री, सब कुछ फ्री। कैसे मैटर है, क्यों मैटर है, सारा मैटर बताया जाएगा आपको, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तहलका तगड़ा मचाया जाएगा। एरिया 51, ये रोड कौन सी है, किस जगह पे मैं खड़ा हूँ, सारा मैटर बताया जाएगा। ये क्या सिस्टम है, क्या स्कीम है, स्कीम चल रही है या ख़त्म हो गई वो बताया जाएगा। स्कीम कब तक है, क्योंकि भाई जी हुक्का फ्री और तेरी खाना फ्री, तहलका तगड़ा। दोस्तों ये देखिए आप, अंदर आ गए हम, अंदर यहाँ पर हुक्के लगे हुए हैं, बियर है, ड्रिंक है, खाना पीना है। ये देखिए आप, सारा खेल स्कूटर का है, बजाज स्कूटर का। जी हाँ दोस्तों, बजाज स्कूटर इस जमाने का किसी के भी घर पे होगा वो यहाँ पर आकर अपनी यहाँ पे आके अपनी आरसी दिखाएगा, अपना नाम दिखाएगा कि मेरे नाम पे है और तहलका मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास भी स्कूटर है उसके लिए खाना फ्री है। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास ये स्कूटर है उसके लिए खाना फ्री है। बजाज स्कूटर अपनी आरसी दिखाएगा, चाहे वो अपने पिताजी के साथ आए चाहे दादाजी के साथ आए, आरसी दिखाएगा, अपना नाम दिखाएगा, आधार कार्ड मैच करवाएगा और इसके घर पे स्कूटर होगा, जिसके घर पे भी स्कूटर होगा बजाज का इस जमाने का, उसके लिए खाना फ्री है। चेतक वाला स्कूटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बजाज ही चलेगा, बजाज चलेगा, एसी मॉडल का। हाँ, जो बजाज के लवर है, मैं कह रहा हूँ बजाज में इस मालिक ने तहलका मचा दिया पूरे भारत में, इसका दिल देखो मालिक का, आप तहलका बहुत तगड़ा मचा दिया। बजाज से इतना प्यार करता है कि स्कूटर अपने होटल में खड़ा करा हुआ है। उसके भी खड़ा करने का कारण क्या है कि अगर आपके पास भी स्कूटर है तो खाना आपके लिए फ्री है। तहलका बहुत तगड़ा मच गया है। हाँ भाई हीरो, कैसी लगी स्कीम? स्कीम बहुत बढ़िया है, बस स्कूटर लेके आओ। स्कूटर लेकर नहीं आना, खाली आरसी दिखानी, नाम दिखाना। हाँ, अरे कौन, हैदराबाद से राजस्थान से लोग स्कूटर लेकर आएंगे, आरसी दिखा दो फिर भी हो जाएगा। हाँ दीदी, सबसे बड़ा तहलका यहाँ का होटल का मालिक बहुत बड़ा दिल दरिया लेके बैठा हुआ है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर जिसके पास ये स्कूटर होगा और उसके पास इस स्कूटर की आरसी होगी, आधार कार्ड होगा, तो उसके लिए खाना फ्री है। कैसा लगा ये? सेम बेस्ट। तो क्या भैया, ये सेम मॉडल होना चाहिए कि मॉडल कोई भी चले? नहीं भाई दीदी, सेम मॉडल होना चाहिए, ऐसा दिखने वाला होना चाहिए। अच्छा? ऐसा मीटर होना चाहिए, ऐसी लाइट होनी चाहिए, ऐसी लाइटें होनी चाहिए। अच्छा, हाँ बजाज का होना चाहिए दीदी। और कलर दीदी कोई भी चलेगा? कलर कोई भी चलेगा, के साथ में बजाज का हुक्का चाहिए। दीदी खाने में सुन लो, एक बर्गर फ्री मिलेगा, अरे एक हुक्का मिलेगा, बस। बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ी बात है, प्यार मिल जाए किसी का काम है क्या? बस 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 बस, एक बर्गर और एक हुक्का फ्री मिलेगा। और दीदी ये स्कीम कब तक एक्टिवेट है, शिवम पता करने गया है? ओके। हाँ लेकिन भैया ये बहुत बेस्ट है कि अगर हमारे पास, हम सोचते हैं कि स्कूटर किसी काम के नहीं है, और अगर ऐसा है और हमें अगर इतना कुछ फ्री मिल रहा है तो इससे ज्यादा प्यार भैया के कुछ। जिसके घर में स्कूटर होगा उसके लिए खाना फ्री है, मतलब बर्गर फ्री है, हुक्का फ्री है। उसी ग्रेट हो, उसी ग्रेट हो। क्या बात है। तो दीदी कहिए, देखो ये भी एक टाइम था, एक जमाना था, स्कूटर देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं उसके ऊपर बैठे हुए आप, और देखो मालिक ने क्या दिमाग लगाया। मालिक ने दिमाग लगाया, और सोचो मैंने उस समय चलाने की कोशिश की थी। ओ तेरी। और ये चलाते चलाते मैं दो बार गिरी थी। ओ तेरी। तो मेरे को अपनी यादें वो याद आ रही थी। हाँ। कि जैसे मैंने चलाना सीखा था और मैं धड़ करके गिरी थी। क्या बात तो है। ये वही स्कूटर है जिससे मैं गिरी थी, बट अगर आपके घर में ये है, आपको आरसी दिखानी है और अपना आधार कार्ड का नाम मैच करवाना है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो क्या भैया ये एक लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए? सिर्फ दीदी एक बंदे के लिए। बहुत है इतना भी यार, इतना प्यार है, कम है क्या? बाकी हम लोग अपने पैसे पे करेंगे, हमें क्या टेंशन है भैया। हाँ सही बात है भैया। ये अपना रेस्टोरेंट कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह? वागातोर बीच। अच्छा, नियर क्या है, साथ में आसपास? साथ में जेडब्ल्यू मैरिट भी है। अच्छा, साथ में जेडब्ल्यू मैरिट है, जेडब्ल्यू मैरिट के साथ में है। और इतना बढ़िया खाना, मैंने भी सारा बर्गर खाया, मजा आ गया भैया। बर्गर दीदी एक नंबर है, बर्गर के नाम से भी फेमस है ये। हाँ शिवम पता कराया तू जरा बेटा, शिवम तू पता कर गया बेटा, मालिक से क्या मैटर है ये? ये स्कीम तो खत्म हो गई। क्या बात कर रहा है, कब तक थी ये? ये 15 दिन पहले खत्म हो गई। अरे यार दीदी, लेकिन दीदी जो भी है देखो, मालिक का दिल तो बड़ा, क्या पता फिर आगे कोई स्कीम चला दे यार। लेकिन हाँ। लेकिन बर्गर तो तगड़ा दीदी, बर्गर बहुत अच्छा है। अभी हम लोग हुक्का भी पीने वाले हैं, ब्रीजर बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ सिंपल सी एक बात है, अगर कभी ऐसे वाला खाना खाने का मन हो तो आपको यहीं पे आना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात, फ्रेश है, सबसे बड़ी बात है भैया, फ्रेश फ्रेश है।
वाह जी वाह जबरदस्त। ओए होए फ्रेश सारी चीजें फ्रेश बन रही है दोस्तों, देख सकते हो आप। ये देखो, ये देखिए आप, वाह जी वाह। भाई का काम करने का तरीका देखो भाई, एक बार में 600 बर्गर बनाता है एक घंटे के अंदर। क्या बात है भैया, इतना टैलेंट आपके अंदर यार है भैया, क्या बात है। कहाँ से? प्रॉपर गोवा से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से हो? अरे वाह, दिल्ली में कहाँ पर है? ये तो हमारे पास निकल गया। ये कौन सा रोहिणी सेक्टर 24? भैया दिखाना बर्गर में क्या क्या लगा रहे, दिखाना एक बार। बर्गर में टमाटर रहेगा, केबेज रहेगा, चीज रहेगा, पैटी रहेगा, ऑमलेट रहेगा। बोला जो बर्गर दीदी बर्गर लवर है वो तो यहाँ पर आएंगे। हाँ, और इसमें ये है कि इसको आप कस्टमर वो भी करवा सकते हो कि अगर आपका इसमें अंडा डालने का मन है, ये डालने का मन है। ये हमने कभी ये वाला फोन यूज किया? तुम्हारे टाइम में था ये वाला फोन? नहीं, हमारे टाइम में ही होता था भैया, और हम इसमें चीटिंग करते थे। मैं आपको बताती हूँ, मम्मी ना यहाँ पर लॉक लगा के चली जाती थी, ठीक है, और यहाँ पर ना जैसे नंबर होता था 205118, बस इतने नंबर होते थे, तो वैसे बुलाते थे 205118 नंबर मिल जाता था भाई। दीदी बर्गर, दीदी दीदी तीन बर्गर ऑर्डर करो, ऑर्डर करो। कौन से वाला भैया? वेज नॉन? तीनों तीनों चीज, चीज और, चीज और वेज। हाँ, दो चीज और एक वेज। वेज ये खाएंगे, नॉन वेज मैं खाऊंगी। और आपने कौन सा खाना है? और आपने किसी को फोन भी करना है? अभी मम्मी से बात कर लिए यार। दीदी एक नंबर के ना नोटंकी नोटंकी बात हो, ये फोन काम करता भी है। वेटर का ऑर्डर कर रहे हो आप, प्रैंक कर रहे हो जनता के साथ। जीरो लगाते हो, फ्री होती भी है। स्कूटर वाली स्कीम खत्म हो गई यहाँ पर, क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आना, कुछ खाना चाहे मत खाना, स्कीम चाहे नहीं है, दिल मत उदास करना अपना, लेकिन यहाँ के बर्गर, यहाँ के बर्गर एक नंबर है यार। खाना यहाँ पे एक नंबर है। तहलका बहुत तगड़ा मच चुका है। वीडियो का दबा के शेयर मारना आपका। तहलका भाई हमेशा आपके फ़ायदे करवाता है, तहलका वाली चीज़ें दिखाता है। मैं कह रहा हूँ मौसम गोवा का एक नंबर हो रहा, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आओ, तहलका मचाओ, ज़िंदगी जियो। पैसे कहाँ लेके जाओगे मेरे भाई, तहलका मचाओ बस। सही है, बना रहा बेटा, बताओ, बोलो बोलो। आप स्कूटर पे तो बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर सुंदर लग रहे हो, बताओ क्या बोलोगे? पापा आप 14 वीडियो बनाना, लेकिन ओके बेटा, आप कौन सी क्लास में हो नोना? केजी जेम्स में हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। वाओ दोस्तों, ओ माय गॉड, ये क्या होगा? फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई। करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर। दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।